हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चली है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पहले जितने भी पार्ट हैं इसके हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो आई होप आपने वो देख लिया। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, जैसे जीके ट्रिक्स के या साइंस जीके ट्रिक्स के, वो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, यानी जर्मनी का जो एकीकरण किया वो किसने किया था फ्रेंड्स? बिस्मार्क ने। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि एकीकरण किसने किया, तो बिस्मार्क ने, और सबसे शक्तिशाली राज्य था प्रसा। नेक्स्ट, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था, यानी जो बिस्मार्क था वो जर्मनी का जो एकीकरण चाहता था वो किसके नेतृत्व में चाहता था? प्रसा के। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 में पहनाया गया, यानी विलियम को जो जर्मन का संघ था उसके सम्राट का ताज पहनाया गया था 8 फरवरी 1871 में। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था, यानी जो बिस्मार्क था इसको सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से। नेक्स्ट है, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है, ठीक है। यानी जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेक्स्ट, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ठीक ठाक है कि जर्मन के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था, यह फ्रैंकफर्ट में होती थी, यानी कहाँ पर होती थी? फ्रैंकफर्ट में। 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, यानी 1815 से 1850 तक जो राज्य जर्मन राज्य पर था, साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? यानी ऑस्ट्रिया के अधीन था ये। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, यानी ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो कौन था? मेटरनिक। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी राके, बोमर और लसर जो ये महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, इन्होंने अपनी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 में किया गया, यानी कब किया गया था फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन? 1848 में। विलियम प्रथम के शासनकाल में, यानी विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्डेट था। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना, यानी 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क जो था प्रसा का चांसलर बन गया था। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को व्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था, यानी विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा था? बाजीगर कहा था। सेरेजोवा के युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। तो कौन सा युद्ध था ये? सेरेजोवा का युद्ध, और कब हुआ था? 1866 में। तो यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे क्या था? आत्मसमर्पण कर दिया था। 23 अगस्त 1866 को प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्य अभिषेक वर्साय राजमहल में किया, यानी कौन से राजमहल में किया था? वर्साय राजमहल में। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रसा के बीच हुई, यानी जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी कब हुई थी? 1871 को, और किस किसके? फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण संभव हो सका, यानी क्वेश्चन आएगा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण था वो संभव हो सका, तो किसके?
सूडान के युद्ध के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जर्मनी का एकीकरण ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, उसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलता है अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।